हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मतलब हम लोग कहाँ गए थे? सेक्टर नाइन से हम लोग अपने घर की तरफ सेक्टर सिक्स मतलब 8-6 होते हुए जा रहे थे। हम बोले कहीं गोलगप्पा मिलेगा, तो बोले फोर चलो, फोर मचा खिलाता है। फोर में आया, वहाँ नहीं लगा हुआ है जहाँ अच्छा खिलाता है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ एक गोलगप्पा खाने के लिए आए। फिर अभी हम लोग आए हैं वहीं जहाँ पर बोकारो, जब हम लोग आए थे तो यहाँ सेक्टर फोर में खा रहे थे। बीच में एक जगह बहुत अच्छा बनाता है, काफी हाइजीन तरीके से बनाता है और काफी टेस्ट उसका अच्छा लगता है लड़का का, तो वहीं हम लोग आए थे। लेकिन नहीं था, लेकिन मुझे खाने का मन कर रहा है तो अब मैं खा ले रही हूँ दूसरी जगह। तो चलिए खाते हैं गोलगप्पा। खा लिए लास्ट वाला जो दिया ना सूखा, उसको खाया तो मन झिलमिला गया। झिलमिला गया। सूखा का पर्पस होता है कि तीखा उखा कुछ लगा हो तो मेकअप कर दे। इसमें तीखा था, मजा नहीं आया उतना गोलगप्पा में। नमक बहुत तेज था पानी में, दोबारा तो फिर मिक्स किया ना, बहुत ज्यादा नमक था तो फिर दोबारा बोले तो फिर उसमें और इमली का पानी और पानी ऐड किया कि उसे कम हो गया था। ठीक, लेकिन वो सही, वो लड़का जो खिलाता है ना बहुत अच्छे से खिलाता है और अच्छा लगता है उसका टेस्ट, है ना। उसमें पानी पूरी का भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट बना के खिलाता है। वो यहाँ का है भी नहीं, वो बोला था राजस्थान साइड का है, वो राजस्थान यूपी का, उसका भाषा लगता है वैसे ही। राजस्थान और यूपी बिल्कुल डिफरेंट है, तो कैसे आप वैसे बोल रहे हैं? अरे मतलब उधर का, मतलब झांसी उसी साइड का, मतलब कहीं हम लोग जब नोएडा में रहते थे ना तो ऑफिस के पास सब बेचता था, वैसे ही मतलब टोन वैसे ही बोली था उसका। न्यू स्विफ्ट का टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, लस्सी आप घर में पीजिएगा, मेरे हाथ का तो अभी तनीषा को ना उसके दादी के घर छोड़ दिए, मतलब वही जिद की कि नहीं मुझे यहीं रहना है। तो अभी ये मतलब वही हम लोग छोड़ दिए हैं, शाम में ये जाएंगे तो उसको लेकर आएंगे। फिर लस्सी रुकिया जी, 2 मिनट थोड़ा सा लेटने दीजिए ना, 2 मिनट। बाप रे बाप, लग रहा है गाड़ी कंधा को उठा के लाए हैं। नहीं हैं, थक गए हैं, ठंडा है दही, बैठ करके रील बना रहे हैं उसमें भी थक जाते हैं। बाप रे बाप, हम ड्राइव करके चल चल करके बार बार मार्केट में निकल के सामान लेना, धूप में निकलना, अंदर घुसना बाहर घुसना, उसे मेरा क्या हाल होता होगा? क्या हाल होता होगा? कुछ पकाने के लिए आप भी निकले, हम भी निकले, उसमें क्या है? अब इनको लस्सी बना के देना है और चावल बनाऊंगी मैं। वैसे क्या कहते हैं, सब्जी बना के गई थी मैं, आलू बैंगन की सब्जी मैं बनाई थी ब्रेकफास्ट में। तो मैं सोची थी कि दाल बना दूंगी और चावल बना दूंगी, सब्जी बना हुआ है और साग बनाती मैं आज। साग भी बाहर निकाल के मैं रखी थी, लेकर आई थी उस दिन, लेकिन अब साग नहीं बनाऊंगी, बस चावल बनाऊंगी और इनके लायक ही बनाऊंगी। मैं नहीं खा रही हूँ चावल वगैरह अभी, तो लस्सी बना के लस्सी में पी लूँगी, उसके बाद चावल गया पानी लेने तेल लेने, इनको बस बना के दूँगी और फिर मैं देखती हूँ कुछ खाऊँगी। तरबूज वगैरह रखा हुआ है फ्रीज में, अभी तक खाए नहीं है, 3 दिन हो गया लाए हुए, ऐसे ही रखा हुआ है, उसको कटवाए नहीं थे, तो वही सब खाएंगे आज, नहीं खाएंगे। तनीषा अगर रहती तो दाल बनाती मैं, क्योंकि उसको दाल चावल ज़्यादा पसंद आता है, सब्जी भी खाती है लेकिन दाल चाहिए उसे चावल के साथ और सब्जी साथ में, तो वो नहीं है, तो इसलिए अब मैं नहीं बना रही हूँ दाल, बस चावल बना दूँगी, सब्जी है ही बना हुआ, सैलेड वगैरह काट दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। बना लो लस्सी हमार। तो क्या बना था, बन तो गया, देखिए ना लस्सी। किशमिश भी दीजिएगा इसमें ना, किशमिश लीजिए ना, किशमिश डाल दीजिए, किशमिश नहीं है, खत्म हो गया। ये बोलिए खत्म हो गया है, इसी में। अरे ठीक है, रहने दीजिए, नहीं है, हो गया, रहने दीजिए, जो है आप ही दीजिए। ली मार्केट तो ये चम्मच क्या दे दिए इसमें? अच्छा, हम तो बोला आ गए, लस्सी दिए हैं कि दही दिए हैं कि चम्मच दे दिए इसमें? लस्सी था जी। तब आपका तो आप छोटा ग्लास ले रहे हैं, मेरे में चीनी नहीं है, मेरा चीनी का लस्सी है। आपके जीवन में ही मिठास खत्म हो गया समझे?
एक तो ऐसे मीठा आदमी खा ही लेता है, अब लस्सी उसी में अपने हिसाब से हमको छटता है, जाइए आपको जैसे पीना पीजिए, आपको दे देना जैसा आपको पसंद है, हमको जैसे पीना है हम अपना पी रहे हैं। ठीक है, एक कान में का मैं खोल दी हूँ और एक कान का पहनी हूँ। अभी यहाँ बन रहा है समोसा और ये भाभी का हम लोग आए थे, रील बनाए हैं बहुत सारा और बहुत सारा फोटो क्लिक किए हैं, अभी समोसा बना के और जल्दी से फिर हम लोग खा के निकलेंगे घर। तो अभी तो ये चेंज कर लिए, दो इतना हॉट हॉट ड्रेस पहनी थी ना उसमें, देखिए उसमें लेना ही भूल गए थे हम, मतलब फोटो खींचने में और वीडियो बनाने के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में लिए ही नहीं, तो बस अभी निकलेंगे। सर में समोसा चढ़ा हुआ था ना कि समोसा बनाना है, हाँ तो गर्मी लग रही है। देखिए यहाँ समोसा फ्राई हो रहा है और यहाँ पर इसका आटा है, इधर इसका मसाला है, फटाफट से हम लोग बनाते हैं और फिर खाते हैं। बाय 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 कर रहे हैं, तो गुड बाय कर रहे हैं ये। आओ गुड बाय पापा। तनिषा आज नानी के घर जाके खूब खेली है ना बेटा, बहुत मजा आया, वो स्पेशली ना प्रिंसी तो बहुत खेली है ये, और अभी मतलब सवा सात हो रहा है, वो डस्टबिन खुश नहीं हो उधर वाले डालो साइड ऊपर से ही। तो इसकी मम्मी जो सोना मेरी फ्रेंड है ना, वो 30 तारीख को जा रही है और अभी जिनके हम लोग डांस करने जाते हैं उन्हीं घर में वो आई हुई है, और तब से फ़ोन करके बोलो बोल रहे आओ 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 ना बाबू, जो डांस करने के जिनके यहाँ जाते हैं वो काफ़ी बड़ी हैं हम लोगों से, तो बोलते हैं आओ ना बाबू बहुत प्यार से, हाँ तो बहुत प्यार से बोलती है। तो तुम मेरी हो ना, मैं भी तो किसी की हूँ ना, छत से जाएंगे इधर से, देखा नीचे देख के आना, छत में मम्मा ने बोली थी छत से जाएंगे। आओ तो अभी वहीं जा रहे हैं हम लोग क्योंकि ये लोग भी चले जाएंगी और फिर मौका नहीं मिलेगा, तो चलते हैं वहाँ। देखिए यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं एकदम हीरो आंटी। तो फ्रेंड वहाँ से मैं आ गई और वहाँ गए हम लोग, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनाती है वो भाभी जिनके यहाँ हम लोग जाते हैं डांस करने, और उनके घर गए थे तो वो चना दाल का जो पकौड़े होते हैं ना वो बहुत टेस्टी बनाती हैं, और पनीर पकौड़ा बनाई थी लेकिन मैं बिल्कुल नहीं खाई क्योंकि आज ना लंच आज का हम लोग काफ़ी लेट किए थे, 5:30 बजे, बहुत ही हैवी सा, तो नानी घर नहीं की थी, हाँ तो वो लंच ही करने का टाइम तो होता है, तो हम और हस्बैंड 5:30 बजे के आसपास लंच किए हैं, तो मतलब दोपहर का खाना चावल बनाए थे हम, तो फिर भी तो बिल्कुल भूख नहीं था तो उनके घर गए तो हम एक पकौड़ा बस टेस्ट किए और चाय पिए, और जो सोनम है देखती हूँ थोड़ा सा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है अभी, देखिए हो सके तो जो हम लोगों का प्लान था अयोध्या का वो काफ़ी डिले हुआ, और रीज़न बस यही था कि जिनके साथ हम लोग जाना था वो तो सब बिजी ज़्यादा रहते हैं, तो बस इस वजह से बंद था दुकान, क्या मिला इस वजह से मतलब थोड़ा सा मतलब पोस्टपोन हो रहा है, तो मे बी शायद 31 या 1 को जाए, अभी वो भी कुछ कंफर्म नहीं लग रहा है। तो हाँ तो वही मैं सोची थी कि ना उनकी मम्मी को और उसे सोना को बुलाऊंगी अपने घर, तो देखते हैं क्योंकि क्या है कि मम्मी के घर भी कुछ लोग आए हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा बिजी शायद चल रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं, ऐसे आज तो जाके मिल लिए हैं लेकिन मैं भी बोली थी कि आंटी को भी मैं अपने घर ही बुलाऊँगी, अगर हो पाएगा तो, कल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज ही हम लोग ना अपना जो मंडे को मैं बोली थी ब्लॉग में कि हम लोग अपना डांस करेंगे छत पर लहंगा वहंगा पहन के, तो वो आज उनके घर आई थी मेरी फ्रेंड, तो फिर वो मतलब कैंसिल कर पोस्टपोन करके हम लोग कल का रखे हैं, तो कल तो बुलाने चकते, फिर एक दिन बचा परसों 29 और 30 या 31 वो निकल जाएगी, तो देखते हैं क्या हो सकता है, मैं चाहती हूँ कि उनकी मम्मी और वो मेरे घर भी आए, अगर हो पाएगा तो बुलाएंगे नहीं तो फिर देखते हैं। और यहाँ ये आके बैठे हुए हैं, क्या जी क्या हुआ, कुछ हुआ क्या?
दे रहे हैं आप अपना बकलोली कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? खुश नहीं लग रहे हैं आप? कुछ रहे हैं, कुछ काम किए हैं सर? मतलब हम व्लॉग बना रहे हैं, आप फोन में बिजी है, ये कहाँ तक सही है बताइए? हम आपको दिखा रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, आप फोन में बिजी है क्यों? आज ही हमको ना एक रील शेयर किया, कौन सा रील? मैं देखी तो मैं बहुत इमोशनल हो गई। वो था कि जैसे जवानी में क्या होता है, पति अच्छा, पत्नी वो पति पत्नी लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं, पत्नी अपने मायके, हम कब जाते हैं मायके? तो पत्नी अपने मायके में ही तो ससुराल है। तो पत्नी लोग जो होती है वो अपने मायके चले जाती है, और जब मतलब कोई काम में नहीं आता है, लास्ट में पति पत्नी ही काम आते हैं दूसरे का। तो वही था उसमें कि मतलब होता है ना जवानी में गुस्सा मुंह फुलाना, लड़ाई झगड़ा करके, और लोग समझ नहीं पाते हैं दूसरे को, और जब समझते हैं तब एक होता है ना अफसोस होता है। तो इसी टाइप का एक ये हमको रील भेजे थे। सब एक चुपता हो गई सब आगे वाला। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हुआ? हम कहाँ जाते हैं मायके? तो हम कहाँ बोल रहे जाते हैं मायके? तो आप भेजे थे वो हो सकता है उस वो मायके वाला मेरे लिए नहीं था, बाकी सब होगा मेरे लिए ना। हाँ समझदार है तो समझिए। आपके लिए क्या बना रहे हैं पता है? क्या बना रहे हैं? जो आप बोले थे कि खाना नहीं खाएंगे, और क्या खाएंगे? क्या पिएंगे? वही क्या पिएंगे? छोड़िए आप समझते ही नहीं है, आप ही नहीं समझते हैं मेरे दिल की बात, तो हम क्या समझेंगे? कोल्ड ड्रिंक है, खत्म हो गया। तो अभी आप बोले दूध गर्म कर दो, दूध पिएंगे, अब कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। कोल्ड ड्रिंक ला दे, कैसा होगा? ला दे। तो मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक हम पीते बिल्कुल भी नहीं है, या तो ये पियेंगे, और तनु भी कभी कभी पी लेती है, वैसे वो भी नहीं पीती है। पता नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह का कोई शौक नहीं है कि भाई कोल्ड ड्रिंक आया है तो कोल्ड ड्रिंक पियो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। मैं आज मुझे ना मीठा चीज़ मतलब मीठा में मिठाई कुछ कुछ मुझे पसंद है, वैसे हम बहुत ज़्यादा ये सब मेरा कोई च्वाइस नहीं है कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, अरे घर में मिठाई आया है तो मिठाई खाओ। ये मैं वहाँ गई, मैं व्लॉग बनाई नहीं पूरा, उस टाइम मैं ही सर्व कर रही थी। अभी जहाँ गए थे वहाँ आइसक्रीम लेके आई थी बड़ा सा भाभी, तो सबको निकाल निकाल के दिए, बोली और दो ना कौन खाएगा, वो अकेले रहती हैं तो उनको खुद ही प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अब मतलब होता है ना कुछ हार्ट का शायद कुछ मतलब है दिक्कत, तो वो नहीं खाती हैं ज़्यादा बाहर का। इसीलिए समोसा भी वो कल बनाई थी मतलब इसी व्लॉग में मैं डाली हूँ, जो बाहर का वो नहीं खाती हैं ज़्यादा, तो वही आइसक्रीम बोली कि कौन खाएगा बाबू, ख़त्म कर दो सब। तो मतलब वही एक एक स्कूप में निकाल रही थी, तो बोली और ज़्यादा ज़्यादा भर दो, तो फिर मैं अपने लिए एक ही स्कूप लिया, बोले मैं नहीं खाऊंगी ज़्यादा मीठा है ना। कोशिश तो करते हैं मीठा चीज़ों को ना मतलब अवॉइड करें शुगर को, लेकिन थोड़ा बहुत किसी ना किसी चीज़ तरीके से आ ही जाता है बॉडी में, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं अवॉइड करती हूँ कि ना लूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है। चाय वगैरह भी तो अब वही चाय जानते हैं, एक होता है वो क्या कहते हैं हम लोग जो लेते हम लोग जो लाए हैं वो क्या है, गुड़ का है ना, क्या कहते हैं गुड़ को, हाँ जैगरी पाउडर। एक होता है इधर देखिए ना, एक होता है वो लिक्विड वाला गुड़ जो खजूर गुड़ होता है, वो ज़्यादा फायदा करता है ये जैगरी पाउडर से। आप लोग बताइएगा कि कौन सा ज़्यादा फायदा करता है, एक जैगरी पाउडर होता है और एक खजूर वाला गुड़ जो मतलब गीला गीला सा होता है। तो फ्रेंड्स चलिए ये देखिए किस तरीके से एकदम बिजी है, मैं कितना ही बोलूँ, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।